hope you're doing good. Welcome to Pratis Kitchen. तो आज हम बनाएंगे something really yummy and सबका favorite, पानी पूरी and राज कचौरी. So I'll be showing you how to prepare the dough to make a fail-proof crunchy and crispy राज कचौरी and पानी पूरी. And to go with it, yummy yellow peas ki recipe, chane ki recipe, and then khatti meethi chutney ki recipe, very quick and yummy one, and teekhe chutney aur pani ki recipe. Look at this crunch. This is what I'm talking about, dearies. Wow, isn't that crispy enough? तो चलिए बनाते हैं हमारे राज कचौरी और पानी पूरी की रेसिपी. तो सबसे पहले मैंने लिया है 3/4 कप ऑफ सूजी, नॉर्मल सूजी, एंड 1/4 कप ऑफ मैदा. आप मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं. अब थोड़े से पानी में थोड़ा हल्दी और नमक मिलाया और उसको गूंदना शुरू कर दिया. आप बेसिकली ये हल्दी को स्किप कर सकते हैं. उस जमाने में लोग मतलब हल्दी ऐड किया करते थे, मम्मी दादी माँ एंड ऑल, सो आई जस्ट एडेड. अब आपको ध्यान रखना है कि आपको आटा बिल्कुल पूरी के आटे की तरह सख्त गूंदना है, बिल्कुल उसको ढीला नहीं रखना है. तो ये जो रवा है वैसे भी पानी सोक करेगा तो थोड़ा सख्त हो ही जाएगा, बट आप इतना ध्यान रखें जब आप इसको गूंद रहे हैं तो थोड़ा सा पूरी के आटे की तरह इसको गूंदें. तो चलिए डो तैयार है. अब इसको कंपलसरी आपको रखना है रेस्ट के लिए 30 मिनट, क्योंकि 30 मिनट्स आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आपका जो पूरी है वो सख्त नहीं बनेगा. एंड अब हम बनाते हैं हमारी तीखी चटनी और तीखे पानी की रेसिपी. तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 big cup ऑफ यू नो मिंट लीव्स, एंड देन 1/2 cup ऑफ कोरिएंडर लीव्स, then about 5 to 6 green chilies, about 1 tablespoon of lime juice, which is 1 whole lime juice, and then I will add the seasonings, which is basically a little bit of chaat masala, which is 1/2 tablespoon of chaat masala, 1/2 tablespoon of salt, 1 tablespoon of jeera, and then 1/2 tablespoon of amchur, and 1/2 tablespoon of chini and adrak. Adrak about 2 to 4 tablespoon. इसको अच्छे से फाइन पेस्ट करने के बाद आप इसको एक बोल में ले लें. आप अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो ये चटनी इतनी हरी है. मैं थोड़ा सा चटनी अपना राज कचौरी में यू नो स्प्रिंकल करने के लिए, सीजनिंग के लिए निकाल लेती हूँ. आप भी ऐसे निकाल लीजिएगा, बट आप ध्यान दीजिएगा यह चटनी जो ना यहाँ इतनी हरी है, दैट्स बिकॉज इट्स जस्ट फ्रेशली मेड. बट थोड़े देर बाद बिकॉज ऑफ द मिंट दैट वी हैव एडेड, विल बिकम अ लिटिल डार्क ग्रीन, लाइक इट विल बिकम अ लिटिल नॉट टू ग्रीन. अगर आप नहीं चाहते कि आपकी चटनी की कलर या पानी का कलर चेंज हो तो आप मिंट लीव्स ना डालें, बट मिंट लीव्स डालने से ना स्वाद बहुत बढ़ता है. अब यहाँ मैंने डाला है सेंधा नमक जस्ट फॉर दैट फ्लेवर, यू नो यू मे एड और जस्ट द नॉर्मल सॉल्ट. एंड अब इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं जस्ट बिकॉज वी गोन बी हैविंग इट एंड सर्विंग इट विद द पानी पूरी, वी वॉन्ट द फाइन कंसिस्टेंसी. तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ये रेजिड्यूज रह गया है, जो पिसा नहीं था या जो रह गया है, उसको हम कंप्लीटली स्ट्रेन कर देंगे, सो दैट वी जस्ट गेट द फाइनेस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ इट. अब इसको आप या तो फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं. सो दिस इज द कंसिस्टेंसी वी आर लुकिंग फॉर. तो अब हम बनाते हैं हमारे राज कचौरी और पानी पूरी की रेसिपी. तो ये जो डो रेस्ट हो रही थी 30 मिनट्स तक, ये थोड़ा सख्त हो चुका है बिकॉज एज आई सेड इट द सूजी हैज अ टेंडेंसी, सेमलिना हैज अ टेंडेंसी टू यू नो सोक वाटर एंड बिकम अ लिटिल हार्ड. तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें हाथ में एंड उसको अच्छे से गूंद लें, तब तक जब तक आपको लगे नहीं वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, जैसे पूरी के आटे की तरह ना हो जाए. एंड उसके बाद आप इसकी लोइयां काट लें. तो मेरे यहाँ पे 4 बड़े लोइयां बनी हैं, तो मैं इसको यहाँ पे बड़े बड़े यू नो रोटी की तरह बेलूंगी और फिर एक कटर के इस्तेमाल से राउंड शेप में काट लूँगी. अगर आपकी राउंड शेप परफेक्ट बनती है तो प्लीज़ आप बनाइएगा. जस्ट मेक श्योर कि आप इसकी थिकनेस 1 रुपी कॉइन के थिकनेस के हिसाब से रखेंगी, क्योंकि अगर आप यू नो 1 रुपी से ज़्यादा अगर थिकनेस रखते हैं, जैसे 5 रुपी कॉइन के थिकनेस में या यू नो उससे कम, तो देन योर ईदर योर यू नो कचौरी विल नॉट बिकम क्रिस्प, फूलेगी भी नहीं, और या तो फिर ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगी. तो दोनों में से एक चीज़ होगी जो हमें चाहिए नहीं. तो लुक एट द थिकनेस आई एम शोइंग यू, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, विच इज़ बेसिकली 1 रुपी कॉइन का थिकनेस. अब आप एक ट्रे लेंगे, उसमें एक मसलिन क्लॉथ को वेट करेंगे और डालेंगे, बिल्कुल गीला करके आपको डालना है. आई लेट यू नो द लॉजिक बिहाइंड दिस. तो यहाँ पे आप प्लेस करते रहे अपने कचौरियों को. तो पहला कचौरी वहाँ गया. अब मैं बना रही हूँ अपने पानी पूरी. तो पानी पूरी के लिए सेम आप एक कटर लें या किसी ग्लास या बोल के यू नो इस्तेमाल से आप इसके छोटे छोटे राउंड्स काट लें. एंड इन पानी पूरियों को थोड़ा सेम वही थिकनेस में आपको काटना है, 1 रुपी के थिकनेस में, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं. तो आप इसको काट लें और उसी वेट क्लॉथ के ऊपर इसको फैला दें. नाउ लेट रेस्ट अंटिल आई मेक माय मीठी चटनी. तो मीठी चटनी की रेसिपी के लिए हम लेंगे 1 बोल सोक्ड टैमरिन पल्प. ये ज़्यादा थिक या ज़्यादा पतला नहीं था. इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बोल्स ऑफ वाटर. सेम बोल का इस्तेमाल करना है, जिस भी कटोरी का आप इस्तेमाल करें उसी से आप मेजर करके डालें. यहाँ पे मैं इसको काफ़ी देर तक उबालूंगी, इसलिए मैंने यहाँ 2 कटोरी पानी लिया. आप चाहो तो 1 कटोरी पानी भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने डाला है 4 टेबलस्पून जैगरी विच इज़ गुड, एंड 4 टेबलस्पून ऑफ डेट्स. नाउ दैट रियली डेट्स इज अगेन ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हैं, ना चाहो तो यू कैन स्किप इट. अब इसको अच्छे से उबालना
करना है मिनिमम 10 to 15 minutes ये मिनिमम बॉयल होता है टू जस्ट काइंड ऑफ रिड्यूस एंड गिव यू दैट थिकनेस. तो आप बस देखते रहिएगा, जैसे ही आपका वो थिकनेस आ जाता है, मतलब थोड़ा सा 1/4 part आपका रिड्यूस हो जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ये तैयार है. तो मिनिमम 10 minutes लगता है इसको रिड्यूस होके इतना थिक होने में. और जब आप टर्न ऑफ कर देंगे ना फ्लेम, उसके बाद वो अपने आप भी और थोड़ा थिक होने लगेगा. सो यू कैन जस्ट कीप दैट कंसिस्टेंसी. एंड आई जस्ट लव दोज पल्पी यू नो डेट्स इन देयर इन माई चार्ट व्हेन इट कम्स. आई जस्ट लव इट. अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, बट इट एड्स टू द फ्लेवर. तो हमारी इमली चटनी बिल्कुल तैयार है, इसको आप टर्न ऑफ कर दें. और उसमें अब हम तड़का करेंगे. तो तड़के के लिए हम लेंगे यहाँ पे 1 tablespoon तेल, उसमें 1 teaspoon जीरा, 1 teaspoon चिली पाउडर और 2 से 3 रेड चिलीज. आप चाहो तो उसमें कुटी हुई धनिया भी डाल सकते हैं, स्वाद बढ़ेगा उससे. अब इसको डाल दें आप अपनी खट्टी मीठी चटनी में, अच्छे से इसको मिला लें, क्या स्वाद आता है. ट्रस्ट मी, यू विल लव इट. एंड इसमें थोड़ा सा सीजनिंग के लिए ऑफकोर्स सॉल्ट डालेगा. सॉल्ट अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने यहाँ पे 1 teaspoon से कम डाला. एंड ये हो गया तैयार हमारा यमी यम मीठी चटनी. अब हम चलते हैं हमारे चने की रेसिपी की तरफ. तो यहाँ पे मैंने पैन गरम किया, 2 tablespoon ऑयल लिया और उसमें 1 medium size फाइनली चॉप्ड अनियन को ऐड कर दिया. तो इसको अच्छे से सॉटे करना है. जस्ट सॉटे रनल इट टर्न्स ट्रांसलूसेंट. ये बेसिक रेसिपी है, इसमें कोई अदरक लहसुन का पेस्ट कुछ नहीं लगेगा. आई हैव एडेड अबाउट 2 tablespoon ऑफ ग्रीन चिलीज बिकॉज वी लव तीखा. तो आप चाहो तो आप कम या ज्यादा तीखा कर सकते हैं या कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं हरी मिर्ची. नाउ नेक्स्ट I am adding about 2 tomatoes medium size finely chopped. तो इसको अच्छे से आप सॉटे कर लें. तो ये तब तक सॉटे करना जब तक थोड़ा सा गल नहीं जाए. तो ये बेसिक रेसिपी है फॉर द चने बिकॉज ये प्लेन चने खाने से अच्छा है कि आप ऐसे मतलब यू नो करके आप उसको खाओ. इट रियली टेस्ट यम. अब इसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं मसाले. 1 teaspoon ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 tablespoon ऑफ चिली पाउडर एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट. तो इसको अच्छे से आप चलाएं, तब तक चलाएं जब तक आपके टमाटर गल नहीं जाते. अब आप इसमें अपने पसंदीदार मसाले डाल सकते हैं, लाइक पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, चाट मसाला सब. मैं यहाँ पे बेसिक बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे अपने कोई मसाले एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रही, एक्सेप्ट धनिया पाउडर जो मैं अब ऐड करूँगी नेक्स्ट. तो यहाँ पे मैंने 2 cup यू नो सोक्ड एंड बॉयल्ड येलो पीस ऐड किया है. तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आपके जो चने हैं वो गले हुए हैं. अब आप येलो पीस के बदले में आप चाहो तो ग्रीन पीस भी ले सकते हैं, स्वाद बिल्कुल सही होता है. बट देन ट्रेडिशनली यू नो येलो पीस लेते हैं तो आप येलो पीस ही लीजिए. यहाँ पे मैंने 1 tablespoon धनिया पाउडर और 1 teaspoon कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया जस्ट टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ जिंग एंड फ्लेवर टू इट. तो बस बन गया हमारा चना. एंड उसके ऊपर से स्प्रिंकल करिए हरा धनिया एंड टाटा इट्स रेडी टू ईट. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट डीप फ्राइंग आवर राज कचौरीज इन पानी पूरी. तो जस्ट हीट योर ऑयल एट हाई टू मीडियम एंड जब वो मीडियम हॉटनेस में हो जाए तब उसको आप उसमें तलना शुरू करेंगे. तो बेसिकली जो हमने मसलिन क्लॉथ में जिस तरफ से वो नीचे की तरफ गीला था उस गीले की तरफ ही आपको ऑयल में डिप करना है अंदर. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपकी नीचे के पूरी की टेम्परेचर जो है वो हल्की सी होती है, जैसे गीला होता है, देन व्हेन यू डिप इट इन द ऑयल हॉट ऑयल व्हाट हैपेंस इज इट जस्ट इमीडिएटली प्रोड्यूसेस दैट स्टीम इनसाइड द यू नो पूरी. एंड वो स्टीम के वजह से आपके जो ये पूरी फूलती है ना तो फिर वो फूली की फूली रह जाती है. मतलब वो इतना फूल जाता है और इतना बढ़िया कुक होता है दोनों तरफ से. तो दैट इज़ ओनली लॉजिक. तो जिस तरह गीला होता है उसी तरफ से आप अंदर डिप करें उसको और उसके बाद इसको डीप फ्राई करें मिनिमम 10 minutes. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इसको बहुत देर तक डीप फ्राई करना है. जैसे आप पूरी को करते वैसे बिल्कुल नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे और अच्छे से इसको लो टू मीडियम में आप इसको अच्छे से पकाएंगे. बट मेक श्योर यू आर नॉट बर्निंग इट, बट अच्छे से पकाएं. देखिए मेरी पानी पूरी भी कितनी अच्छे से फूल गई है. तो बेसिकली पक्का ही पक्का आपका फूलेगा. बट एक दो तो वैसे यू नो फेल प्रूफ तो है ये रेसिपी, बट एक दो कभी कभी रह जाता है, मतलब फूलता नहीं है. तो डोंट वरी, मेजॉरिटी ऑफ इट विल. लुक एट दैट, दैट इज हाउ क्रिस्पी योर राज कचौरीज विल टर्न टू बी. Wow, that's yum yum yummy. So now let's start assembling our kachori, raj kachori. तो सबसे पहले थोड़ी सी आपको डालनी है mint चटनी, फिर खट्टी मीठी चटनी. आप अपने हिसाब से आपको जैसे आप खाते हैं वैसे डाल लें. थोड़े से you know कटे हुए प्याज, थोड़े से कटे हुए टमाटर, आप चाहो तो boiled potatoes भी और add कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने add किया थोड़ा सा चना. Fill it up like almost with 2 big tablespoon and यहाँ पर जाएगी मीठा curd. So this मीठा yogurt is my favorite.
favorite. Like I mean literally overload it with meaty chutney and meatha, you know, dahi. So just sprinkle a little bit of green chilies and your coriander leaves. फिर से ऊपर से थोड़ा सा सब्जी, तो यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी चटनी और फिर से खट्टी मीठी चटनी एंड देन थोड़े से सेव. दिस इज नाइलॉन सेव, जस्ट स्प्रिंकल इट जेनरसली एंड सर्व इट विथ लव. लुक एट दैट यम कचोरी. ट्रस्ट मी, दिस वॉज लिटरली लाइक crispy until the end, until the last bite, you know, it just comes out really good. You must give it a try, dearies. So aap bilkul is recipe ko try kariyega, let me know how it turned out to be. To but aap itna dhyan rakhein ki aap isko tal rahe hain bilkul minimum 5 se 10 minute tak. Acche se talna, aapko high flame mein bilkul nahi talna hai. Ye meri pani puri, look at that, crisp, yummy. ये भी बड़ी क्रिस्पी बनी है, तो इसमें भी आप ऐसे ही फिल करें एंड पोर इन जेनरसली और यू नो तीखा पानी एंड मीठा पानी, व्हाटएवर व्हिचएवर वे यू वांट टू फीस्ट ऑन एंड एंजॉय द यमी ट्रीट. तो होप यू लाइक द रेसिपीज डियरीज, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी कुकिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रतीस किचन. बाय.